नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। राजस्थान के नीम का थाना के जो नजदीक है बंदागी ढाणी, जिसका अब नाम परिवर्तन गोपालगढ़ हो गया है। बंदागी ढाणी एक ऐसी ढाणी है ये, जहां पर देश की सेवा में हर घर से फौजी निकला है, हर घर से सैनिक निकला है। और इस गाँव वासियों की तरफ से, इन सभी गाँव वासियों की तरफ से एक अनूठी मुहिम चलाई गई है, जिसमें सभी जो गोवंश है, बेसहारा गोवंश है, जो खेतों में घूमती है, आसपास के इलाकों में घूमती है, उन सभी की सेवार्थ के लिए इन ग्राम वासियों ने करीबन 30 से 40 हजार रुपए एकत्रित किए हैं। किसी से 500, किसी से 200, किसी से 1000। और ये सभी एकत्रित करके इनके लिए चारा, वो सामने कमरा है वो चारे का है, गुड़ वगैरह, ये दवाई वगैरह सभी लेके आए हैं। और जो बेसहारा है, जिसके लिए कोई सहारा नहीं है, जो बोल नहीं सकता खाने को या पीने को, पहनने को, घूमने को या इलाज के लिए, उन सभी के जरूरतों के ध्यान में रखते हुए मानवता का अनुपम उदाहरण है। बात करेंगे पहले तो आपसे, किस प्रकार की मुहिम है, क्या संगठन का नाम है, किस प्रकार से आपने क्या किया? ये हमारे गांव गोपालगढ़ के सभी ग्रामवासियों ने, नायक मंडल संस्था है उसकी तरफ से चंदा उगा के और गायों की वो लिया है चारे का, और इनकी देख रेख करने का। सुबह शाम सारे गांव के आते हैं, चारा डालते हैं और सबको पशु खिलाते हैं, और सबकी पानी की व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर टंकी बना रखी है, बड़ के नीचे टंकी बना रखी है, सब पशुओं की वो लिया है उन्होंने। कितने मतलब आपने कैसे क्या किया, कितने रुपए एकत्रित किए आपने? तकरीबन 35-40 हजार के करीब कर लिए हमने। अच्छा। और उसका चारा मंगाया हमने, अभी 32 मन चारा अभी डाल दिया ला करके, और कुछ गुड़ के कट्टे भी लेके आए हैं, और उनको सभी सुबह सुबह सब खिला देते हैं गाँव को, और दवाई वगैरह भी लेके आए। तो किस टाइप की दवाई है? दवाई का तो मेरे को ऐसा पता नहीं, बुखार है, बुखार का है, जैसे जानवर क्या बीमारी जो भी है। तो दवाई का कौन करेगा बताएं? ये पूरा गोपालगढ़ मिलकर कर रहे हैं और करते रहेंगे, और वो कोई देना चाहते वो भी दे सकता है। बिल्कुल। आप सेवा क्यों कर रहे हैं ये गोवंश की? इनकी कोई देखभाल नहीं है। अच्छा। गवर्नमेंट की तरफ से कोई देखभाल नहीं है? गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, गौशाला भी नहीं है। गौशाला भी नहीं, गौशाला भी नहीं। आपके गांव में बीच में एक बाड़ा है, जगह है, उसमें ये रहती है सारी? हाँ, बैठी रहती है। मतलब ये आप सभी को, नीम का थाना ही नहीं पूरे राजस्थान देश के लोगों को सीखना चाहिए कि गोवंश को आवारा न समझा जाए, किसी भी जीव को आवारा न समझा जाए, उनकी सेवा के लिए जिस प्रकार से इस ढाणी के लोगों ने, गोपालगढ़ के लोगों ने एकता दिखाई है और मानवता दिखाई है, उस प्रकार से ये मुहिम सभी तक पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम का। आपसे बात करते हैं, किस प्रकार से क्या कर रहे हो आप? मशीन के रेख देख कर रहे हैं, होगी वैसे क्या। पानी की भी, चारे की भी सब व्यवस्था की जा रही गाँव वालों की तरफ से, सब जुट होकर इनकी रेख देख में जुटे हुए। कोई तो गाय के जो लठ मारते हैं, कोई पेड़ तोड़ देते हैं जी, और आप लोग सेवा कर रहे हैं? हाँ, सेवा तो कर क्यों? इसलिए कि ये इनके गौ माता हमारे धर्म में है, इसलिए इनकी सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या नाम आपका? मेरा नाम महिपाल सिंह। बिल्कुल। आप किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं भाई साहब? भाई साहब, हम राजपूत जाति में हमने जन्म लिया है, राजपूतों का धर्म होता है ब्राह्मण और गाय की रक्षा करना, और हम ये मुहिम आज से नहीं, करीब 15 साल से चल रही है, लेकिन कभी हम बच्चे बच्चे जो है नायक मंडल के जो लड़के हैं वो सभी इकट्ठा करके करते थे। अब की बार हमने सर्व समिति, मतलब हमारे जो ओल्ड मैन हैं, जो सैनिक हैं, जो रिटायरमेंट हैं, सबसे चंदा लिया है, और गाय की जितनी हमसे सेवा होती है हम करते हैं। आप चाहते हैं कि ये मुहिम आपकी तरह हर गांव में जाए? बिल्कुल होनी चाहिए, हिंदू का धर्म है कि गाय माता की रक्षा करे। हाँ। और उसको भूखा ना सुलाए, या और भी जीव जंतु है जैसे कुत्ता। हाँ। या और भी कोई। हाँ। है उसके भी अगर पीड़ा है तो आप सहायता करोगे उसकी? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, गोवंश के अलावा जो भी जीव है। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं और करते आए हैं और करते रहेंगे। बिल्कुल। आप बताएं, करते रहेंगे जो भी, क्या करोगे? सेवा करेंगे। किसकी? गौ माता की और कुत्तों बिल्लों की, सब। अच्छा, सबकी करोगे, मतलब जीवन को सफल। आप मानवता का संदेश दे रहे हैं। मानवता का। क्या नाम है आपका? रोहतास सिंह। आपका भाई साहब? कुलदीप सिंह। बिल्कुल। और ये बच्चे भी लगे हुए हैं, आप भी करते हो क्या सेवा? किसकी सेवा करते हो? गौ माता की। आप भी करते हो? बिल्कुल। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। ये 9th में पढ़ते हैं, देश का भविष्य है, और देश के कई जो सैनिक अभी देश की सीमा पर रक्षा कर रहे हैं वो इसी बंदागी ढाणी गोपालगढ़ से आते हैं। भाई साहब से बात करेंगे, किस प्रकार से भाई साहब ये आपने मुहिम चलाई है गाय गोवंश की सेवा? बड़े बुजुर्गों से सबसे चंदा लेके उसके बाद ही ये चलाया गया। हाँ।
तो किस प्रकार से क्या करते हैं यार, क्या आगे क्या करोगे मतलब आप? आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, आगे भी ऐसा चलता रहेगा। बिल्कुल, कुल मिला के इस ढाणी के लोगों ने मैसेज दिया है, आप बताए ताऊ जी। नहीं तो वो तो सब भी कर रहे हैं, पूरी ढाणी के सहयोग से ही हुआ है काम। पूरी ढाणी के सहयोग से हुआ है, मतलब पूरी ढाणी के लोग मिलकर कोई 500,000-2,000 सभी ने चंदा एकत्रित किया, और जो भी बेसहारा गोवंश है जो आसपास में इलाकों में घूमती हैं, उन सभी के लिए भोजन की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, गुड़ की व्यवस्था, जो भी है अन्य खाद्य पदार्थ हो, दवा की भी व्यवस्था की गई है। और इसी प्रकार से मुहिम चले, क्योंकि ये जीव सेवा परम सेवा ये लोग मानते हैं, और इन्होंने अनुपम उदाहरण दिया, इसी कारण से मेरे को आना पड़ा है यहाँ पे, और मैं आया हूँ कि इन लोगों को दिखाया जाए, आप तक ये बात पहुँचाई जाए, इस खबर को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जुड़ें। बाकी भाई साहब से बात, आप भी युवा हैं, क्या नाम है आपका? सोनू सिंह नाम। किस प्रकार से आप गोवंश की सेवा करते हैं? जिस प्रकार से हमसे जितनी भी होगी हम उससे भी ज्यादा करेंगे, और ये सब के लिए सीख है कि ये सब करेंगे काम, सब करें। और जीव जंतु जो पीड़ा में हो उनके लिए भी हम दवाई वगैरह उनका उपचार करने के लिए सब सामान लेके आए हैं, और हर इलाज चालू कर रखे हैं। बिल्कुल, इस बंदा के ढाणी में कुल मिला के सरकारी सुविधाओं से वंचित है ये ढाणी, लेकिन सरकार के लिए पूरे देश के लिए तैयार है, और यहाँ ना गौशाला है ना कोई व्यवस्था है, तो यहाँ पे खुद ही लोगों ने जिम्मा संभाला है गौ सेवा का, गोवंश की सेवा का, और भी जीव जंतु उनकी सेवा का। तो आप देखते रहिए इस मुहिम को, आप भी चलाइए अपने गांव में, एकत्रित किए जितने भी जीव जंतु हैं, गोवंश हैं, उन सभी की सेवा के लिए आप थोड़ा थोड़ा सहयोग करके, एक जगह राशि इकट्ठी करके, और उनके चारे पानी की, भोजन की व्यवस्था, दवा की करें, जिससे हम इंसानों के साथ साथ इस धरती पर, इस भूमि पर जीव जंतु भी सुखी रह सके। ये मुहिम है मानवता की, ये मुहिम है इंसानियत की। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हम चौमासा के अंदर भी इनकी सेवा करते हैं साहब। अच्छा, चौमासों में? हाँ, यानी कि बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में भी हरा चारा डालते हैं इनको। बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, पिछले 3-4 महीने में हमने इस गांव में 10-15 लाख रुपए चंदा उगा के हमारे मंदिर में भी काम किया है। अच्छा, मंदिर में भी किया है? शिव जी का मंदिर बनवाया है, वहाँ पे एक हॉल बनवाया है, मंदिर के पूरा डेवलप करा है, बहुत पुराना मंदिर है, 400-500 लाख रुपए खर्च करके उसमें लगाए, और पूरे गाँव ने एक साथ, मतलब एकता है आप में, आपके गांव में, और इंसानियत मानवता, इंसानियत कोई चीज है वो है इस गांव में। बिल्कुल, आप बताएं। आप भी युवा है, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ, ग्रेजुएशन। अच्छा, ग्रेजुएशन कर लिए, तो आप क्या करना चाहते हैं आगे देश के लिए? सेवा के लिए सर, सैनिक में जाओगे? और बाकी गोवंश की सेवा, जीव जंतुओं की सेवा पे क्या कहेंगे आप? गोवंश की सेवा करनी चाहिए सर, ये निर्मोक जानवर होते हैं, इनको क्या पता कि दुख दर्द सर्दी गर्मी क्या होती है, इंसान को तो सब चीज़ों का पता होता है, और इसलिए हमारा पूरा गांव आगे से आगे बढ़कर इनकी सेवा कर रहा है और करता रहेगा। बिल्कुल, ये आप देख सकते हो बंदा की ढाणी क्षेत्र है, गोपालगढ़ का नया नाम कर दिया गया है, जो मावंडा के पास है, नीम का थाना मावंडा के पास, और ये इलाका है पूरा, और ये सामने देख सकते हो ये कमरा, ये पूरा बड़ा कमरा है, इसमें चारा भर दिया गया है, गुड़ वगैरह सबकी व्यवस्था है, और भी ये लोग इसी प्रकार से करते जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।